सालेपुर जेएमएफसी कोर्टे प्रताप जेना हाजिरा प्रसंगे शुणी टाइम पिटिशन उपरे शुणी कर आसंता 18 तारीख दिन पुणि थे शुणी दिन धार्य कले कोर्ट से दिन 205 पिटिशन और 210 पिटिशन उपरे शुणी हेबो। स्वास्थ्यावस्था असुस्थ दर्शाई दुई मास समय मागिथिले प्रताप को उकिल गतकाली उभय पक्षर को शुणी राय संरक्षित रखिथिले कोर्ट जहां उपरे आज शुणी होता। भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल प्रताप को चिकित्सा चली कोर्ट को राय उपरे निर्भर करुछि महांगा बीजेडी विधायक प्रताप जेना भाग्य। महांगा डबल मर्डर केस रे कोर्ट रे हाजर होगा पूर्वतन आईन मंत्री को समन जारी करते कोर्ट। महांगा डबल मर्डर केस रे मुदाला नंबर 13 थिले सेते बड़ार आईन मंत्री प्रताप जेना। प्रथमे महांगा पुलिस चार्जसीट रु काटि प्रताप का ना यहा परे प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करते मृत कुलमणि बराळं पर कोर्ट प्रताप जेना विरोध में लगे दफा 302 506 बी। तेज संपर्क में अधिक अपडेट दबापे आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम महांगा प्रतिनिधि अशित सामल। अशित जहाँ कोर्ट आज शुणाई आसंता 18 तारीख को पुणि थे दिन धार्य कर अपडेट आसीपारे कि जेहेतु महांगा डबल मर्डर बहुत चुक्त महांगा डबल मर्डर घटना 13 नंबर मंत्री प्रताप जेना छंसकता करीट रू ना काटिदेला मृत कुलमणि बराण पुओ रंजित बराण प्रोटेक्ट पिटिशन दाखल करते सब बड़ कथा संगीन दफा विरोध में लगी 302, 506 और 120 भाई संगीन दफा लगी गत काली जहाँ स्पेशल मैसेंजर रे हाजर हबार समन जातु वकिल आसी पक्ष रखी थे जेहेतु सी कैपिटल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो चिकित्साधीन अवस्था अच्छा से समय मागी जहाँ जी अपर पक्ष कह 205 और 210 पिटिशन देते किंतु मान्यवर कोर्ट ताको जहाँ डेट दे 18/11 को रहा शुणी जो समय मागी थे समय 18/11 को रहा समय धार्य कराला और जो 205-210 पिटिशन पर शुणी जेहेतु होना सीटा राय संरक्षित रही दिन ही 18 तारीख दिन ही से जो राय प्रकाश पाइब जो 205-210 पिटिशन आवेदन करते मृत कुलमणि बराण वकिल जो रंजित बराण वकिल से आवेदन करते सब बड़ कथा है कौटि ना कौटि प्रताप जेना अड़ुआ बढ़ुची कहीं जेहेतु बहुत शिक्षित महांगा डबल गुमर घटना आम कहीपर ये मुख्य अभियुक्त थे प्रफुल्ल विश्वाल सन्देहजनक मृत्यु होता है जेहेतु प्रताप जेना मालिकाना स्टकगार्ड निकट मृतदेह होता है महांगा डबल मर्डर घटन ये पूर्वतन आईन मंत्री थे एबकार ये विधायक अच्छा ये लैंड फोन रु बारंबार अभियुक्त सहित कथाई अभियुक्त को प्रोटेक्शन देते सब बड़ कथा है जो 302, 506, 120 भाई संगीन दफा प्रताप जेना लगी जदि आम कह अपर पक्ष से हाइकोर्ट को द्वारस्थ होती प्रताप जेना जेहतु 18 तारीख दिन रही जमी आलोचना कर 18 तारीख में परवर्त शुणी रही है तेनाली शुणी पर समस्त नजर है आप ध्यान रखि था बहुत बहुत धन्यवाद अशित आपंकर तमाम सूचना। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।